अभी हम बैठे हैं झारखंड की राजधानी रांची में, छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान है और ये संस्था 1928 में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने बनाया था। बड़ी पुरानी संस्था है। आज इसकी हालत को देखकर, जो जर्जर स्थिति है, बदहाली को देखकर बहुत कुछ मन करता है कि आपको हम बताएं। और इसका हाल बताने के लिए हमारे साथ यहाँ के संरक्षक हैं अभय कुमार चौधरी जी। लोग जो है दिल्ली में बैठ के कर रहा है, वहीं आज छोटा नागपुर के इस ग्राम उद्योग का हाल क्या है, इसको जानने के लिए हम रांची पहुंचे हैं। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं खादी को लेकर कि बड़ा बड़ा काम हो रहा है, छोटा नागपुर में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो आपकी संस्था का क्या स्थिति है और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और आज के तारीख में क्या क्या योजना आपकी चल रही है? हम अपने बल पर यहाँ सिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंबल प्रोडक्शन पलामू में कर रहे हैं, तेलगानी मधु प्रशोधन अपने बल पर। खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा हमको 20 साल से कोई पैसा नहीं दिया, यहाँ तक कि हमारा 1,54,00,000 रुपया बकाया है। ऑडिट भी हो गया 2 बार 3 बार और कोई पैसा देने का नियत नहीं है। खादी ग्राम उद्योग के आयोग के जो पदाधिकारी हैं और क्लर्क हैं, वो फाइल में खाली घुमाते रहते हैं, जहां से लाभ मिलेगा उन्हीं को वो पैसा देते हैं। और हमको लाचार होके, चूंकि खादी ग्राम उद्योग आयोग और संस्था एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है, हम नहीं चाहते हैं कि दोनों में एक केस मुकदमा हो, लेकिन 20 साल से जब हम परेशान हो गए तो अभी हाई कोर्ट में हम एक रीट किए हैं 1,54,00,000 के लिए। अभी भी अगर खादी ग्राम उद्योग आयोग अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना जी अगर हमको भुगतान करवा देते हैं तो हम खाद जो केस किए हैं वो वापस ले लेंगे। हमको सूद नहीं चाहिए, हमारा मूल ही धन वापस कर दे। जिसके चलते हमारा पूरा संस्थान बदहाली की हालत में है, किसी तरह इसको जिंदा रख रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार खादी बोर्ड में भी हमारा 1,38,00,000 रुपया है, झारखंड खादी बोर्ड में 80,00,000 रुपया है। इस हालत में आप समझ सकते हैं कि संस्था कैसे चला रहे हैं, किस बदहाली में हम चला रहे हैं। उसके बावजूद भी हैं, हम अपने वर्कर को पेमेंट करते हैं, भविष्य निधि भुगतान करते हैं और अन्य जो प्रोडक्शन का काम है हम दिन प्रतिदिन अपने बल पर कर रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग से हमको कोई अभी तक अनुदान नहीं मिला है, ना हमारा पैसा मिला है। और क्या क्या स्कीम अभी चला रहे हैं अपने बल पे, क्या क्या स्कीम चला रहे हैं और कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, कितने सेंटर हैं? सेंटर तो हमारा 32 है और उसमें कई सेंटर में प्रोडक्शन होता है और कई सेंटर में बिक्री होता है। जैसे हम अभी रेशम उत्पादन का काम कर रहे हैं त्रिल में, और पलामू में हम कंबल उत्पादन का काम कर रहे हैं। वहां जैसे पलामू में हम नक्सलाइट बेल्ट में काम करते हैं, नक्सलाइट के महिलाएं भी यहाँ आके काम करती है, हम लोग को कोई तरह का कोई बाधा नहीं देते हैं वो लोग, और वो कहते हैं गांधी जी की संस्था है, इसमें काम करो, किसी तरह का कोई इस पर दबाव मत डालो। वो लोग खुद सहयोग करके महिलाओं को भेजते हैं कि संस्था का काम हो, आपको रोजी रोटी मिले, इस बल पर हम काम कर रहे हैं। अगर खादी ग्राम उद्योग आयोग अगर हमको मदद करती तो हम और आगे कुछ उत्पादन का काम हम कर रहे हैं, और अभी मधु प्रशोधन तेल घानी ये सब काम कर रहे हैं, और कंबल का काम कर रहे हैं। कंबल उत्पादन आपको उनकी बात से लग गया होगा कि खादी कमीशन और खादी उद्योग किस तरह से काम कर रहा है। इनके दुख को देख के लगता है कि पिछले कई वर्षों से इनका पैसा करीब 1.5 करोड़ के आसपास इनका पैसा बकाया पैसा है, जो इनके इनके संस्था के हक का पैसा है, इनको लेने के लिए कोर्ट की तरफ इनको जाना पड़ा है। कोर्ट जाने की बात यह है कि संस्था को किस तरह से सहयोग करना चाहिए था और आज किस तरह से संस्था कर रही है। जो बड़े दावे हैं, कितने खोखले दावे हैं, यह स्पष्ट होता है। अगर आपको जानना होगा तो छोटा नागपुर आके खादी ग्राम उद्योग आके देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि बड़े बड़े दावे बड़े बड़े मंत्रियों के सामने और सरकार के सामने रखी तो जाती हैं, मगर छोटा नागपुर में इस संस्था में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का किस तरह से संबंध चल रहा है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है।
आज के तारीख में जहां इस संस्था को डोनेशन मिलना चाहिए था, अनुदान की बात होनी चाहिए थी, वहां संस्था का ही पैसा पिछले 15-20 वर्षों से 1.5 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके लिए मिलने की बात तो छोड़िए, इनको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा है और अभी तक नहीं मिला है। मैं बी राज बाबुल, NATV रांची, झारखंड।